हेलो दोस्तों, आज हम आपको संभल जिले के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। संभल जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह 28 सितंबर 2011 को राज्य के 3 नए जिलों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। इसे पहले भीमनगर नाम दिया गया था। संभल जिले का हेडक्वार्टर बजनोई है। संभल नई दिल्ली से 158 किलोमीटर और राज्य की राजधानी लखनऊ से पूर्व की ओर 355 किलोमीटर की दूरी पर है। संभल जिला बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं और रामपुर जिले से अपनी सीमाएं साझा करता है। संभल एक छोटा सा शहर है, लेकिन पर्यटन स्थलों में इसकी उचित हिस्सेदारी है, जो शहर के शानदार अतीत और रंगीन वर्तमान में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यात्रा कर सकता है। इस छोटे से शहर में धर्म का वजन बहुत अधिक है और इसलिए इसे मस्जिदों और मंदिरों में बड़ी तादाद में रखा जाता है। इन स्मारकों में से कुछ समय के रूप में बहुत ही पुराने हैं और समय की कसौटी पर कुशलता के साथ कई शताब्दियों के लिए समान रहे हैं। पहली बार बाबर ने मस्जिद का निर्माण संभल शहर में किया था। इस बात का एक सच्चा प्रमाण है कि मुगलों का इस छोटे से शहर को आकार देने में स्थायी प्रभाव कैसे पड़ा। संभल में प्रसिद्ध कल्कि विष्णु मंदिर है, जो एक प्राचीन विष्णु मंदिर है। इसके अलावा संभल जिले में मनोकामना मंदिर, तुर्कों वाली मस्जिद, जामा मस्जिद, घंटाघर, केला देवी मंदिर, तोता मैना कब्र और संभल का किला आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। संभल का एक समृद्ध इतिहास रहा है और यह क्षेत्र कई शासकों और सम्राटों का घर रहा है। लोदी के मुगल से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 16वीं शताब्दी तक फैले या एक सम्राट या दूसरे के शासन के अधीन रहा है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान संभल पांचाल शासकों का घर था और बाद में राजा अशोक के साम्राज्य का एक हिस्सा था। 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहां दो भयंकर युद्ध किए, जो दोनों गाजी सैयद सालार मसूद के खिलाफ लड़े थे, जो गजनी साम्राज्य के शासक महमूद गजनी के भतीजे थे। चौहान ने पहले युद्ध में विजय प्राप्त की और बाद में इसके विपरीत दूसरे युद्ध में हुआ था। यह साबित करने के लिए कोई परिस्थिति जन साक्ष्य नहीं है और व्यापक रूप से यह एक किंवदंती के रूप में माना जाता है। इसके बाद दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभल को जब्त कर लिया और इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। यह 14वीं शताब्दी की शुरुआत में था और बाद में दिल्ली के अन्य सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने संभल शहर पर छापा मारा। 15वीं शताब्दी में लोदी साम्राज्य के दूसरे शासक सिकंदर लोदी ने संभल को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानियों में से एक को घोषित किया और यह 4 साल तक इसी तरह बना रहा। बाबर पहले मुगल शासक ने संभल में पहली बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे आज तक एक ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है। बाद में उन्होंने अपने बेटे हुमायूं को संभल का गवर्नर बनाया और हुमायूं ने बादशाह अकबर के शासनकाल को पारित किया। संभल के बारे में कहा जाता है कि यह अकबर के शासन में फला फूला था, लेकिन बाद में लोकप्रियता में गिरावट आई जब अकबर के बेटे शाहजहां को शहर का प्रभारी बनाया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।